हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग ऑन 24। तो देखिए, आज हम मैथ का नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा मैथ का, वो मेंसुरेशन वाला, जिसमें हम क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पटवारी एग्जाम में। तो देखिए, आज हम करेंगे परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज से आपको वैसे क्वेश्चन अवार्थ वाला भी बन सकता है, जहाँ सिंपली ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसका इतने परसेंट इतना, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 5/8 को परसेंटेज में लिखा जाता है, यानी कि प्रतिशतता में लिखा जाता है। तो देखिए, 5/8 जो एक भिन्न है, और भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो सिंपली इसे आप 100 से गुणा कर देंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 यानी कि ये आ जाएगा 125/2 प्रतिशत, परंतु इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, 2/12 यानी कि इसका आंसर आएगा आपका जी 62.5%। तो जे आप याद रखेंगे, प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को क्या करेंगे, 100 से गुणा। और अगर देखिए ऐसा दे रखा हो कि 5% को भिन्न में बदलिए, जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे बटा में 100 लिख देते हैं, यानी कि जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 100 से भाग। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5/8%, तो 5/8% की जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5/8, मैंने क्या कहा, 100 से भाग कर देंगे, यानी कि बटा में क्या लिखेंगे, 100, 100 लिख दीजिए, यानी कि 5/800। तो इस तरीके से जब आप भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुणा, और जब आप परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तब 100 से भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50। देखिए, पहले मैं आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। 50 रुपये का 15% कितना होगा? देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे लिखते आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं लिखता जाऊँगा। 50 रुपये का, 50 रुपये का मतलब गुणा 15%, 15% कितना होगा? डिस इम्प्लाइज 50 रुपये का परसेंटेज को मैं हटा देता हूं तो नीचे क्या जाएगा, 100। तो देखिए 50, तो जे मेरा हो जाएगा, मैं इसको काटूंगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7.5%, 50 रुपये का 15%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? तो मैंने कहा जैसा जैसा क्वेश्चन कह क्वेश्चन की वर्डिंग है उसी तरीके से आप लिखते जाइए, इक्वेशन बनाते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, इन सभी को सेकंड बना लूँगा, और 1 घंटे में भी जितने सेकंड होते हैं वो भी मैं लिख लूँगा। तो पहले देखिए, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड में टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? देखिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 12 सेकंड और है, यानी कि टोटल कितने सेकंड हो गए, 72 सेकंड। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। देखिए जी, आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो देखिए, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि 72 सेकंड 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड की जगह 72 सेकंड, यानी कि मेरा क्वेश्चन बना कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। देखिए एक ही बात है, 72 सेकंड 3600 का कितने परसेंट है, या 3600 का कितने परसेंट 72 सेकंड होगा, एक ही बात है। तो क्वेश्चन मेरा क्या बना, जैसे जैसे लिखा मैं वैसे ही कर देता कि 3600 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत है, मुझे नहीं पता तो मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, तो जे वाला मैं इस तरह भी लिखता हूँ, जे वाला इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि 3600 का कितने प्रतिशत, मान लीजिए एक्स प्रतिशत 72 होता होगा, तो एक्स प्रतिशत जब मैंने लिखा तो एक्स प्रतिशत जब मैंने हटा दिया तो नीचे 100 भी आएगा उसका, तो कितने परसेंट, 72 होगा। अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक्स को इस तरफ रखूंगा, जो इस तरफ गुणा हो रहा है वो उस तरफ भाग हो जाएगा, जो भाग हो रहा है वो गुणा हो जाएगा। तो देखिए 100 जी कट गया, 3602 यानी कितना आंसर आया, 2%। 3600 का कितने परसेंट 72 होता है, 3600 का 2% 72 होता है, तो ये आप याद रख। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसका बेस थोड़ा क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यदि वे 20 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है तो कुल अंक कितने हैं।
तो आपको निकालने कुल अंक, तो देखिए पास होने के लिए चाहिए 40% अंक, वो 20 अंक प्राप्त करता है, ठीक, 20 नंबर आते हैं उसके और वो 20 नंबर से ही फेल हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो देखिए 40% अंक चाहिए, 20 अंक, देखिए वो प्राप्त कितने करता है, 20, और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 40, यानी कि उसे कितने नंबर उसके आने चाहिए थे कि वो पास हो जाता, तो 40 नंबर आने चाहिए, क्योंकि देखिए 20 वो प्राप्त करा, फेल हो रहा 20 नंबर से, तो 20 में 20 जोड़ दूँ तो 40 बनता है, यानी कि 40 नंबर अगर उसके आ जाते तो वे क्या हो जाता, पास। परंतु मुझे ये भी क्वेश्चन में कह रखा है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए, 40% किसके बराबर है, आना चाहिए 40 के बराबर, तो किस संख्या का 40% 40 ही होता है, तो 100 का ही होता है, आपको 100 का 40% 40, 100 का 10% 10, 100 का 20 20, और किसी का भी आप ऐसे करेंगे, तो अगर मैं 200 का 40 करूंगा तो 40 नहीं निकलेगा, सिर्फ 100 का 40 40, 100 का हम जो भी परसेंट ले उतनी ही आती है। तो आंसर मेरा निकल चुका कि परीक्षा में कुल अंक होंगे 100। देखिए वैसे ये सारे क्वेश्चन तो आप मन में ही कर सकते हैं, परंतु किसी को नहीं फिर भी समझ में आ रहा हो तो मैं उनको अभी हल करके बताता हूँ। परीक्षा में इसका मतलब टोटल अंक कितने होंगे, तो 100। अब देखिए मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, मैंने मान लिया कि टोटल अंक जो परीक्षा में थे वो कितने थे, एक्स, और मुझे ये भी पता कि पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, और ये 40 नंबर टोटल नंबर का 40% है, ये तो दे ही रखा है, यानी कि किसका 40% 40 होता है, तो एक्स को आप इस तरफ लिखेंगे 40 100, उस तरफ अब जाकर गुणा हो जाएगा, 40 भाग हो जाएगा, तो 40 से 40 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 100, यानी कि टोटल अंक कितने परीक्षा में, 100। अब और आपको इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ, देखिए तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होगी, आप करेंगे 20 + 20 बटे कितने परसेंट चाहिए, 40% गुणा 100, तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऊपर आप क्या लिखेंगे, जितने उसने नंबर प्राप्त किए और जितने नंबर से वो फेल हो रहा, जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम ही हो, चाहे अगर अलग अलग हो तब भी आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जब भी आपने कुल अंक निकालने, और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो नंबर इतने नंबर प्राप्त करा और इतने नंबर से फेल हो रहा है, और ये भी दे रखा हो कि उसने पास होने के लिए उसे कुल इतने परसेंट नंबर चाहिए, वो आप लिखेंगे नीचे। तो अब आप देखिए मैंने आपको आपको समझ आ रहा हूँ, नीचे मैंने क्या लिखा, 40, तो 40 क्या दे रखा है कि उसे पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो लिखेंगे आप नीचे, 20 ऊपर क्या दे रखा है, एक 20 दे रखा है कि जितने उसने अंक प्राप्त किए, एक 20 दे रखा है ऊपर जितने अंकों से वो फेल हो गया, यानी ऊपर आप लिखेंगे जितने अंक उसने प्राप्त किए और जितने अंकों से वो फेल हो रहा है, उन दोनों को आप देंगे जोड़, नीचे लिखेंगे कि पास होने के लिए जितने परसेंटेज चाहिए, गुणा कर देंगे आप 100 से, इसको आप सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 40 से 40 कट जाएंगे, 20 + 20 40, तो आपका आंसर 100। तो ये डायरेक्ट ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों के लिए, यानी कि अगर इसे इस 20 को मैं ए मानूँ, इस 20 को मैं मानूँ बी, इसको ए इसको बी, और इस 40% को मैं मान लूँ सी, तो ट्रिक मेरी क्या बनती है कुल अंक निकालने के लिए, कुल अंक, तो कुल अंक आप किस तरीके से निकालेंगे, a a + b / c गुणा 100, तो इस तरीके से आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 150 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मूंज मानी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 75% खर्च कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो बचा कितना रहा होगा, 25%, देखिए हम पूरे वेतन को मानते हैं 100%, किसी भी चीज़ को हम पूरा क्या मानते हैं, 100%, तो पूरा 100% उसका वेतन होगा मासिक, उसमें से उसने 75% कर दिया खर्च, तो बचा कितना होगा, 100 - 75, यानी कि 25% वो बचा रहा है, जे 25% मुझे कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 150, देखिए दे रखा कि 150 रुपये मासिक बचाता है, मुझे पता कि परसेंटेज में वो 25% बचाता है, और अगर 25% को मैं रुपए में बदलूँ तो 150, जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने निकालना कि 100% कितना होगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है कि उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना, मासिक वेतन उसका यानी कि उसका पूरा वेतन है कितना, कितना वो महीने में सैलरी प्राप्त करता है, तो मैंने कहा पूरे को 100% मानते हैं, तो 100% कितना होगा, तो देखिए ये 25 का क्या होता है, 6 गुणा 25 गुणा 6 150 होता है, तो इसका मैं 6 गुणा कर देता हूँ, वो मेरा आंसर हो जाएगा 600, तो टोटल उसका मासिक वेतन कितना हुआ, 600। तो देखिए इसको आप मन में ही कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन देखा आपको पता, 25 से बेचारा 25 का 6 गुणा, तो 100 का 6 गुणा 150, सॉरी 600। अब आपको मैं थोड़ा सोल्व कर भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसे एक और 2-3 तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं,
तो एक तो आपको पता कि वो 75% कर रहा है खर्च। पहले मैं लिखता हूँ कि माना मासिक वेतन, मान लिया कि मैंने उसका मासिक वेतन है जो एक्स रुपए है, माना मासिक वेतन इज इक्वल टू एक्स रुपए। तो देखिए एक्स रुपए में से वो 75% कर रहा है खर्च, तो बचा कितना रहा होगा 25%, और वो 25% मुझे किसके बराबर दे रखा, 150 रुपये के बराबर। यानी कि एक्स का 25% बचा रहा है वो, और वो 25% किसके बराबर, यानी 25% बचा रहा है, यानी कितना बचा रहा है, 150 रुपये। तो इस तरीके से मैं बना ली मैंने इक्वेशन। अब मैंने जो जो जैसे जैसे उसको वैसे लिख दूंगा, जो गुणा और इस तरह भाग हो जाएगा, जो भाग और अब गुणा, तो 25 चौका 15 चौके 60, तो एक्स की वैल्यू 600, और एक्स हमने माना क्या था, मासिक वेतन, और निकालना भी क्या है, मासिक वेतन। एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि 25% वो बचा रहा है, तो 25% लिख लिया मैंने, 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1/4, 1/4। अब देखिए अगर आपने वो वाले जो मैंने वीडियोस कराई थी, कौन सी क्लास लगाई थी, वो शायद टॉपिक था आपका टाइम एंड वर्क का, तो उसमें मैंने आपको बताया इससे हम पढ़ते कैसे हैं, कि उसका 4 हिस्से है टोटल वेतन, उसमें से वो, अब हमने 25% क्या लिखा, जो बचा रहा है, तो उसका मतलब हम पढ़ेंगे क्या, 4 जो नीचे है वो हम टोटल मानते हैं, कि 4 हिस्से था उसका टोटल वेतन, उसमें से वो 1 रुपया है बचा रहा, यानी कि 4 रुपये उसका टोटल वेतन था, उसमें वो 1 रुपया बचा रहा है, और ये 1 रुपया मुझे दे रखा है 150 के बराबर, तो टोटल वेतन 4 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा, जब आप ऐसे कर सके, 1 150 के बराबर है, तो 4 4 गुणा 150 के बराबर हो, 1 150 के बराबर 2 2 गुणा 150 के बराबर होगा, 3 3 गुणा 150 के बराबर होगा, 4 रुपये 4 गुणा 150 के बराबर, तो 15 चौके 60, फिर से वही 600। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है पटवारी एग्जाम 2016 में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x-y का 60% इज इक्वल टू 40% x+y, 40% ऑफ x+y, तो y x का कितना प्रतिशत है। देखिए जैसा क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपने निकालना कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखिए पहले मैं जो निकालना उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर लेता हूँ, उसको मैं लिख लेता हूँ, उसकी एक इक्वेशन बना लेता हूँ। तो क्या निकालना कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स का कितना प्रतिशत बाई है, एक्स का गुणा कितना प्रतिशत, वो मुझे नहीं पता, वही मैंने निकालना, जिन्हें एक्स का कितना प्रतिशत बाई है, यानी कि एक्स का कितना प्रतिशत, एक्स का मान लीजिए ए प्रतिशत बाई है, यानी कि 1/100 इज इक्वल टू बाई। तो देखिए बाई इस तरफ मैंने क्या करना, अकेला जो भी मैं इस तरफ सॉल्व करूंगा तो बाई इस तरफ अकेला करूंगा, तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन बननी चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करता हूँ, तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखता जाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, x-y, तो सा का 60%, का मतलब गुणा, 60%, 60% को मैं लिख सकता हूँ 60/100। ऐसे ही 40%, देखिए इन दोनों के बीच ब्रैकेट और इसके बीच गुणा का ही निशान, को बेशक जहाँ पर का नहीं लिखा, तो 40% को 40/100 x+y। तो देखिए आपको पता है ये 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ये क्या हो रहा है, डिवाइड, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि जब 100 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, वैसे ही काट देता हूँ। यानी कि x-y * 60 इज इक्वल टू x+y, क्योंकि 4 को 3 से करो, 3 को 4 से गुणा करो, एक ही बात है, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। अब मैं 60 को करूँगा अंदर गुणा, तो 60 एक्स को भी करेगा, बाई को भी करेगा, और साथ ही उनका साइन भी जो है वो भी हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, तो 60x लिख दिया, 60 ने पहले एक्स को गुणा किया तो 60x, फिर आगे आ गया साइन माइनस का, 60 ने बाई को किया 60 बाई, 40 ने एक्स को किया 40x + 40 बाई। अब देखिए एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले दूसरी तरफ, 60x जे 40x इस तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, जे 60y इस तरफ माइनस के, तो दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे 40 बाई, तो इस तरफ हो गया मेरा 20x, इस तरफ हो जाएगा मेरा 100 बाई। देखिए इस तरीके की हमने बनाना, यानी कि बाई को करना अकेला, तो मैं बाई को लिख दिया यहाँ अकेला, तो 100 इस तरफ क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि 20/100। अब देखिए क्या होगा, बाई जी एक्स है, एक्स को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, गुणा हो रहे हैं, आगे पीछे लिख सकता हूँ, 20/100। मुझे बताइए मेरा आंसर क्या निकला, देखिए ऐसा इक्वेशन बनी या नहीं बनी, एक्स का 1%, एक्स का 20%, एक्स का 1/100, एक्स का 20/100, 1/100 को अगर मैं 100 हटा दूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स का
ए परसेंट इज इक्वल टू बाई, अगर इसका मैं 100 हटाना हो तो मैं क्या करूँगा, एक्स का 20% बाई। आपको पता है जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज में, किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो इसे जब मैं 100 से गुणा करूँगा तो 20% हो जाएगा, और मैंने निकालना भी, अब देखिए मेरा आंसर निकल चुका है कि एक्स का 20% बाई होता है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20%। जी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 20%, वो आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैंने निकालना क्या है कि बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो 20% होता है एक्स का बाई, कि बाई एक्स का 20% है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये पटवारी एग्जाम है 2016 में, एक क्वेश्चन देखिए एचपी पटवारी एग्जाम 2016 में और आया हुआ, वैसे वो अनुपात से अपने, तो उसमें देखिए परसेंटेज भी थोड़ा यूज़ हो रहा, तो उस क्वेश्चन को भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याएं, कोई दो दो संख्याएं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। ये क्वेश्चन आया हुआ, इन दोनों देखिए परसेंटेज और अनुपात दोनों एक क्वेश्चन में यूज हो रही है, इन दोनों संख्याओं का आपने बताना है अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। देखिए बस एक टॉपिक जे और इसके बाद एक टॉपिक, फिर हम हर रोज़ क्वेश्चन करेंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हर टॉपिक के हल करेंगे, मिक्स क्वेश्चन 5 या 6 या जितने ज़्यादा हो सकते हैं एक वीडियो में उतने क्वेश्चन किए करेंगे अलग अलग टॉपिक के, एक ही वीडियो में। तो लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हर रोज़ मैथ की ही वीडियो होगी, और एक टॉपिक जे एक और मेंसुरेशन वाला हल करेंगे। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, आपने इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो मैंने कहा देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे बस आप लिखते जाइए। तो मुझे क्या कहा, दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी है वो दो संख्याएं, परंतु उन्होंने एक हिंट दिया कि वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 20% अधिक होगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक होगी। मैं मान लेता हूँ कि जो दूसरी संख्या है ना उसकी वैल्यू 100 है, जो तीसरी संख्या है उसकी वैल्यू 100 है, तीसरी संख्या की वैल्यू मैंने मान ली 100, तो मुझे बताइए पहली की क्या होगी। तो देखिए जो पहली है वो तीसरी संख्या की क्या है, 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि उसकी वैल्यू 120 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50 ही होता है, यानी कि 100 का 50% 50 ही होता है, यानी कि वो 100 से 50 अधिक है, तो 150 होगी उसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरी मतलब कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, 120/150, तो अनुपात क्या गया, 3 × 3 = 5, तो मेरा आंसर आ गया 4:5। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जी, देखिए आपको ये समझाना चाहिए बस, आप 100 की 200 भी लिख सकते हैं कुछ भी, परंतु देखिए 100 ही ज़्यादा सिंपल है, 100 का 20 20 ही होता है, 100 का 10% 100 का 50 200 का आपको फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना हुआ, देखिए एक और तरीका भी होता है, परंतु आप इतना क्या इसमें थोड़ा देखिए क्या होता है, जे 100 जब मैं कहूँगा 100 का 10% तो मैं एक स्थान में के बाद लगा दूंगा दशमलव, तो 100 का 10% कितना हुआ, क्या वैल्यू बनी, 10, तो 100 का 10 एक स्थान अगर मैं कहूँ, एक स्थान अगर मैं जे दशमलव एक स्थान और आगे चला दूँ तो ये हो जाएगा 100 का 1%। देखिए अब जहाँ से आपको फ़ायदा क्या मिलता है, अगर मान ली मैंने कहूँ कि 100 का 50% निकालिए, तो 100 का एक स्थान के बाद दशमलव लगा दी मैंने, तो 100 का 10% कितना, 10% कितना हो गया, 10, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10, मैंने क्या निकालना, 100 का 50%, तो 10% कितना है, 10, तो 50% 50 ही होगा। ये क्वेश्चन देखिए ये तो सिंपल है, 100 तो इस पर आप तो वैसे कर सकते हैं, बाकी पर कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं लिखा हो 455 का 10% 10% क्या आपको लिखा होगी, 50% निकालें, तो आप क्या करेंगे, एक स्थान के बाद दशमलव जे हो जाएगा उसका 10%, यानी कि 455 का 10% हो गया 45.5, जे उसका हो गया 10%, आपने निकालना इसका 50%, तो आप क्या करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 10 × 5, यानी कि इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 50%, क्योंकि 10 का इसका 10% इतना होता है, तो 10 × 5 = 50%, तो इसे मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे, जे मैंने क्या लिखा, जे वैल्यू कैसे आई, देखिए तीसरी संख्या को मान लिया मैंने 100, मैंने कहा कि क्वेश्चन में दे रखा कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20%
अधिक है, तो 100 का पहले मैं निकालूंगा 20%, 100 का 20% यानी कि 100 गुणा 20/100, 100 से 100 कटा। वैसे भी आपको पता है कि 100 का जितना भी प्रतिशत हम निकालते हैं वो उतना ही रहता है, यानी कि 100 का 20 20 ही होता है, 100 का 50 50 ही होता है। अब ये क्या आया 20। देखिए आप ऐसा नहीं कि आप जहाँ 20 लिख देंगे, ये 20 है कि वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि 20 अधिक है। तो पहली संख्या हुई कितनी, पहली 100 थी, उससे 20 अधिक यानी कि 120 होगी। इस तरीके से ये वैल्यू लिखी गई है, आगे आपको समझाई गया होगा। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और कर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखिए इसके जरिए हम बट्टा भी समझ लेंगे, जो शूट वाले क्वेश्चन होते हैं कि जब ये भी ऐसा सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इतने रुपये इसका मूल्य था, इतने रुपये शूट दी तो बेचा कितने में उसने। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है कि उसका एक कोई वस्तु है, उसका सूची मूल्य 250 रुपये है, उस पर 12% की छूट दी गई, तो आपने ये बताना कि व्यक्ति ने उसे खरीदा कितने में, तो उसे कितने में खरीदा, या आप ऐसा सोच सकें उसे बेचा कितने में। दुकानदार के लिए क्या होगा, वो दुकानदार ने बेचा, कस्टमर ने खरीदा। अगर कस्टमर के लिए मैं इस क्वेश्चन को कस्टमर के लिए हमने निकालना तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, दुकानदार के लिए निकालना हो तो उसने कितने रुपये में बेचा, वैल्यू एक ही रहेगी। क्योंकि अगर आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी तो आपके लिए वो क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए वो 10 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो मैं कस्टमर की तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो देखिए सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, एमआरपी मींस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो उस पर अंकित रहता है, एमआरपी आप समझिए गए एमआरपी। तो देखिए जब भी आप कोई वस्तु खरीदे तो आपको एमआरपी से कम में ही दी जाती है वस्तु, तो उस पर आपको कुछ छूट दी जाती है, तो फिर आप वो खरीद कर कितने रुपये मिलाए। मैंने कहा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, और जो छूट ज्ञात की जाती है वो अंकित मूल्य, सूची मूल्य को अंकित मूल्य भी कहा जाता है, कि जो उस पर अंकित है, जो भी आप वस्तु खरीदें उस पर अंकित है, यानी कि मार्कड है, उस पर मार्क है, मार्केट प्राइस कहते हैं इसे, अंकित मूल्य भी कहते हैं इसे, या एमआरपी। तो जो एमआरपी 250 रुपये है, 12% की छूट दी गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी तरीक़ों से हल कर सकते हैं, परसेंटेज की तरह बिल्कुल इसे हल कीजिए। तो देखिए 250 रुपये का 12% कितना होता है, हम पहले ये निकालेंगे, क्योंकि 12% क्या दी गई, छूट। तो मैं इसका 12% निकालूंगा कि भाई इतने रुपए छूट दी, 250 रुपये उसका मूल्य था, फिर वो उसमें से मैं वो 250 रुपये में वो घटा दूंगा वैल्यू, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1200, एक से एक जा पच एक से एक जीरो कट गई। ठीक, तो 5 यानी कि छूट दी गई 30 रुपये की, तो 250 रुपये का 12% होता है भाई साहब 30 रुपये। 12% था क्या 250 रुपये का, छूट थी, यानी कि 30 रुपये क्या दिए गए, छूट दी गई दुकानदार द्वारा, यानी कि 250 रुपये की वस्तु थी, उसने उस पर 30 रुपये लेस कर कर कस्टमर को बेचा, या 30 रुपये की छूट दी। तो 250 रुपये की वस्तु 30 रुपये उस पर छूट दे दी, यानी कि जो कस्टमर था उसने कितने रुपये में खरीदी, फिर 50 में से 30 गए कितने होते हैं 20, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 220 रुपये। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसे, अगर आप मान लीजिए आप ऐसा निकालना चाहते हैं कि दुकानदार ने इसे बेचा कितने रुपए में, आंसर तो यही आएगा, परंतु तो आप सीधा कैसे निकाल सकते हैं कि 250 रुपये का हम किसी भी चीज़ को, मूल्य को, किसी भी चीज़ को पूरा क्या मानते हैं 100%, तो ये 100% 250 के बराबर है। जब आप, अगर आपको ऐसा नहीं समझा रहा तो ऐसा सोच लीजिए कि 250 रुपये में 100% में से उसने 12% दे दी छूट, तो उसने वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा, 88% पर, यानी कि 250 का 88, जैसे लिख सकता हूँ कि किसका 88%, फिर से मैं गलत ही लिख रहा हूँ, कि 250 का 88% कितना होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा 250 का 88%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 2, तो ये 220 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। एक और तरीका भी है कि 100% इज इक्वल टू 250, तो 12 कितने के बराबर होगा, कि 100% 250 के बराबर, एक होगा 250/100 के बराबर, तो 12। देखिए फिर से वही इक्वेशन बन गई। आपने क्या निकालना है, आपने ये निकालना कि 100 किसके बराबर, कि बेचा कितने में, आपने 12 निकाल लिया तो 12 आपका आ जाएगा 30 रुपये। आपने निकालना है कि 30 रुपये आपका क्या निकला, कितने रुपये भाई छूट दी, 250 रुपये की चीज़ 30 रुपये छूट दे दी, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका भी है कि भाई 100% 250 के बराबर, एक 250/100 के बराबर, आपने निकालना 88% कि बेचा कितने में, तो 250/100 × 88, तो अभी ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल कोशिश करूंगा कि सुबह भी परसेंटेज, क्योंकि हम चाहते मैं चाहता हूँ कि कल आपका पूरा सिलेबस मैथ का ख़त्म कर दूँ, उसके बाद हम क्लासेस करें मैथ की, क्वेश्चन लेकर आएँ, अलग अलग क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सारे, मिक्स हर टॉपिक के,
तो ऐसा करेंगे, तो कोशिश करूँगा कल सुबह भी मैथ की क्लास लगा पाऊँगा और शाम को भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कहीं कुछ डाउट लगा हो या कोई कहीं समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और चैनल को देखिए अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।